لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الحسين مصباح الهدى وسفينه النجاة صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى اله ايزان محترم سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں कि उसने हमको ज़िंदगी अता फरमाई जिस्मानी ज़िंदगी जिस्मानी सेहत और इसी तरह ईमानी ज़िंदगी और ईमानी सेहत कि हम लोग खुदा का शुक्र है सही और सालिम, जिस्मानी एतबार से भी ईमानी एतबार से भी दरस हुसैनी में हाज़िरी के लायक हैं। हैंदत बेज़ोर बाजू नीस्त गर न बख्शद खुदा बख्शंदे इस जगह के ऊपर हाज़िर होना और वो भी मुहरम की मजलिसों में ये कोई मामूली शरफ़ नहीं है मामूली एज़ाज़ नहीं है यह अल्लाह की ख़ास अता है उसने हमें ज़िंदा रखा और साथ साथ हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रहा हमारा किरदार तमाम तर खामियों के बावजूद काबिल रहा कि हम बारगाह हुसैनी में शरफ़ याब हो सकें इस नेमत पे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अब जाहिर है पहली गुफ्तु है और इस पहली गुफ्तु में जो टॉपिक इन हो होगा उसका हम तारफ़ करा दें जो आपके साथ ये बारह दिन गुफ्तगु का सिलसिला जारी रहेगा इसमें जो मौजूद गुफ्तु होगा वो इमाम हुसैन चराग हदायत ये पहला अशरा ख़ास तौर तो पर इमाम हुसैन अलातम से मतलब हो और उनका ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र हो तो ये ज़्यादा बड़ी सा आदत है और इस ज़िम्मन में इन शहु से शिक्रक शबात या बहुत से मसाइल और ईशूज़ जो ममिन के लिए कंसर्निंग पॉइंट्स हैं उनको इन डिस्कस किया जाएगा आज की गुफ्तु को हम डेडिकेट करते हैं इमाम हुसैन आल सलाम ने जो इनकलाब बरपा किया इसका अचीवमेंट क्या है असल मकसद क्या था और अचीवमेंट क्या है जो असल मकसद था अगर वो अचीव हो गया तो वही अचीवमेंट है देखिए कोई भी वाक जब होता है शुरू शुरू में तो उसको समझ पाना जरा दुशवार होता है वाकयात की मिसाल शख्सियात जैसी होती है पर्सनालिटी जैसी होती है बहुत सी पर्सनालिटीज जिस ज़माने में वो ज़िंदगी गुजारा करती थी उनको उस ज़माने के लोगों ने नहीं पहचाना और अनफॉर्चुनेटली ये इंसानों का अलमिया रहा है और ख़ास तौर पर हम लोगों का अलमिया रहा है हमारे यहाँ जो मशहूर है वो ये है कि दूसरी कौमें अपने गधों को घोड़ा समझती हैं और हमारे यहाँ अपने घोड़ों को भी गधा समझा जाता है मीरिस की जो आजमत व जलालत थी आज जिस तरह से मीर अनीस चारों तरफ छाए हुए हैं क्या जिस ज़माने में मीर अनीस ज़िंदगी गुजार रहे थे उस ज़माने में उनकी वो क़द्र शनासी थी मिर्ज़ा गालिब आज हर तरफ उनका नाम है अगरचे जो क़द्रदानी होनी चाहिए इन शख्सियतों की वो अभी भी नहीं है न जाने कैसे कैसे आफ्ताब व महताब आज भी मौजूद हैं मगर उनकी वो कदर मंजलत नहीं है वो एक मिसरा है फारसी जबान में बसा शायर के बादज मरगजाद बहुत से शुरा बहुत से हुक्म बहुत से खुतबा बहुत से फलासफा बहुत से दानश्वर बहुत से स्कॉलर्स। उनके साथ अलमिया ये है कि उनको पहचाना जाता है उनकी मौत के बाद यानी वो पैदा होते हैं अपनी मौत के बाद और अगर इस हलवाले से आप बेहतरीन मिसाल ज़ेर नज़र लाना चाहें तो मैं नहीं समझता कि मौला अली सलाम से बेहतर कोई मिसाल हो सकती है अल्यार। अल्यार। जब मौला अली बायात थे हयात ज़ाहरी से बायात तो अभी भी हैं मगर हयात ज़ाहरी से जब लोगों के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे थे तो क्या दुनिया वालों ने मौला अली की वो कदरों मंजलत की आज भी अली को कोई नहीं पहचान सकता इसलिए कि हुजूर का ऐलान है कि अरे अली अल्लाह को मेरे और तुम्हारे सेवा किसी ने को नहीं पहचाना मुझे अल्लाह और तुम्हारे सेवा किसी ने नहीं पहचाना और तुम्हें अल्लाह और मेरे सेवा किसी ने नहीं पहचाना या लेकिन फिर भी आज की दुनिया में मौला अली सलाम को बेहतर तौर पे रिकगनाइज़ किया जा रहा है जो अपने शिया हैं वो तो हैं ही शिया ने हजर कर करार जो मुस्लिम्स हैं वो तो हैं ही इवन नॉन मुस्लिम्स भी मौला अली के सिलसिले में जब वो पढ़ते हैं स्टडी करते हैं तो उनके दिल की आवाज यही होती कि काश अली जिंदा होते एक मशहूर क्रिश्चियन, अरब क्रिश्चियन, राइटर वो अपनी किताब में लिखता है वह मादा अल के या दुनिया लव हशत कुमन अली बेअल ही वकलब ही व लिस फ़ार दुनिया तो हर साल हजारों को जन्म देती है ए काश इन हजारों के बदले इन लाखों के बदले इन करोड़ों के बदले हर जमाने में एक आली पैदा कर तो एक हकीकत है या एक और दानिश्वर वो मौला अली का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मुझे ताज्जुब है कि शख्सियतें वक्त से पहले क्यों पैदा हो जाती हैं अली को उस जमाने में नहीं इस ज़माने में पैदा होना चाहिए था अली उस जमाने में कहते रहे पूछो पूछो सलूनी कबलान तफ़दूनी पूछो कबल इसके कि तुम मुझे खो दो और कोई पूछने वाला नहीं था और अगर पूछने वाले थे भी तो अजीब व गरीब तरह के सवालत मेरे सर में बाल कितने हैं ये क्या है वो क्या है तो वो जो दानिश्वर है उसके इस जुमले पर शहीद मुर्जा मुतहरिक बहुत खूबसूरत कमेंट करते हैं वो कहते हैं कि हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारे मौला की मदा की लेकिन ये जो तूने कहा कि अली को उस जमाने में नहीं इस ज़माने में पैदा होना चाहिए था हम इससे मुतफक नहीं हैं अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको किस, किस ज़माने में भेजना है और हकीकत यह है कि अली अगर उस जमाने में नहीं इस ज़माने में पैदा होते तो आज से हजार साल बाद वाले भी यही कहते कि अली को उस जमाने में नहीं इस जमाने में पैदा होना चाहिए था इसलिए कि कुछ शख्सियतें वो हैं कि जो जमानो मकान की हदों से महदूदियतों से बालातर हैं अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं अली का नाम बड़ा कायनात छोटी है तो ये वो शख्सियतें हैं कि जिनको रिकग्नाइज नहीं किया जा सका और कमाक हो तो आज भी नहीं किया जा सकता मगर आज बेहतर तौर पे उनको देखा जा रहा है और मौला आली सलाम ने ख़ुद ये बात कही थी और बिस्तर शहादत से कही थी गदन त आरार्फु ननी वयुक शफोलक जब अली इस दुनिया से जा रहे थे तो ये कहते हुए गए कि आज तुमने मुझे नहीं पहचाना मगर कल मुझे पहचानोगे और मेरी शख्सियत में जो असरार हैं जो सीक्रेट्स हैं जो जूल्स हैं वो तुम्हारे सामने एक्सपोज होंगे वो तुम्हारे सामने डिस्क्लोज़ड होंगे तो उस जमाने में लोग मौला अली को नहीं पहचान सके और खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है आप फरमाते हैं कि अली की मिसाल सूरकुल्लह जैसी है कुल उल्ला कुर करीम में जो सूर्य मौजूद उनमें उसकी अपनी ख़ास इम्तियाज़ी शान है कुल सूर्क की ये खसूसियत है और ये मखसूस है सूर्क से कि अगर आप ट्वेंटी फोर आवर्स में जो पाँच नमाजें पढ़ते हैं उनमें सूरक को किसी एक नमाज में ना पढ़ें तो ये मकर है सूर्यदाहिर से बात है उसकी तो शान अलग है ला सला वफ़ात हदल किताब अगर कोई किसी भी नमाज में अलहम न पढ़े तो उसकी नमाज नमाज़ नहीं है मगर सूरकुल्लह के लिए भी ये है कि अगर ट्वेंटी फ़ोर आवर्स में आप सूरक की तिलावत न करें नमाज़ में तो ये अमल मकरू है और सूरक और मौला अली का बहुत क्लोज रिलेशनशिप अली को बहुत पसंद था ये सूर्य और आप कभी कभी नमाज में दोनों रकतों में इसी सूर्य की तलावत फरमाया करते थे और बहुत ज्यादा तिलावत फरमाया करते थे सूर्य की और क्यों ना हो यह सूरा सूरह तोहैद है और वो मौल मुवाहिदीन है जो मौल मुवाहिदीन हो अगर उसे तोहैद से मोहब्बत ना होगी तो तौहद से इश्क किसे होगा तो हजूर सल्लाम का इरशाद है कि आपने फरमाया कि अली की मिसाल सूर्यकुल्ला जैसी है हुजूर का कुल सूर के बारे में एक इरशाद है जो औरफा ख़ास तौर पर नकल करते हैं कि सुरकुल्ला नाजिल हुआ है इस दौर में मगर इसको समझा जाएगा क़ल क़यामत के दौर में आखिरी ज़माने में यह सूरह नाजिल हुआ है इस दौर में मगर इसको पहचाना जाएगा इसको समझा जाएगा आने वाले ज़माने में तो अली की मिसाल सूरखल्ला जैसी है तो आप एक मिसाल यहाँ से ले लीजिए हुजूर ने क्या फरमाया कि सूरक नाजिल इस दौर में हुआ है बात के दौर में तो उसी तरह से अली इब्न नब अल्लाह ने उनके नूर को नाजिल उस दौर में किया मगर शनाख्त जो है किसी और दौर के लिए बेहतर शनाख्त और एक दूसरी रिवायत में अलैहि सल्लाम ने इसकी वजह भी बयान फरमाई कि अली की मिसाल सूरकुल्ला जैसी क्यों है सूरकुल्लह की खसूसियत जब हम लोग करते हैं, माशाल्लाह बच्चे भी मौजूद हैं जब हम आ, किसी के लिए फातिहा पढ़ते हैं वट डू यू रीड वी रीड टाइम सूर्य सूर्य वाइट इस तरह से कहीं पर हुक्म नहीं है शरीत में कि जब आप किसी के लिए साले सवाब करें तो एक मरतबा सूरह पढ़ें तीन हुल्ला पढ़ें इस तरह से कोई हुक्म नहीं है किसी भी किताब में मगर हमारे बुज़ुर्गों ने दीन को जो अच्छी तरह से समझे हुए थे पढ़े हुए थे उन्होंने ये तरीकेकार रायस किया है कि जब हम किसी के लिए फातहा कहें तो इसका मतलब यह है कि एक मरतब आपको सूर अलहमद पढ़ना है और तीन मरतबा सूर्य पढ़ना है इसके पीछे हकमत है वो हकमत ये है कि सूर्य अलहमद की खसूसियत यह है कि ये इक्वल टू होल कुरान है वलकद आतनाक सब अमिन मथानी वल कुरानी सब अमिन मथानी से मुराद है, सात आयतों वाली सूरत हमने आपको सात आयतों वाली सूरत और कुरान करी मता किया है तो सात आयतों वाली सूरत अलहमद ला है तो जब आप एक मरतबा सूर अहमद पढ़ते हैं तो इट्स इक्वल टू रिसाइटेशन ऑफ वन कुरान और सूर्य की खसूसियत यह है कि सूर्य को आप एक मरतबा पढ़ते हैं तो वन थर्ड कुरान का सवाब आपको मिलता है दो मरतबा पढ़ते हैं टू थर्ड कुरान का सवाब आपको मिलता है तीन मरतबा पढ़ते हैं तो पूरे कुरान के रिसाइटेशन का सवाब मिलता है सो so, जब आप एक मरतबा सूरह और तीन मरतबा सूर उलोल्ला पढ़ के किसी को हदिया करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने विद इन मिनट्स मैक्मम वन मिनट और टू मिनट्स इस ज्यादा टाइम नहीं लगता आपने गोया के दो कुरान अपने मरहूम को हदिया किया तो हमारे बुजुर्गों ने उस उसनवान से सूर्हमद और तीन मरतबा सूर्य उलोल्ला को रिकमेंड किया तो हजूर फरमाते हैं अली की मिसाल सूर्य जैसी है एक मरतबा सूर्य कुल वल्ला पढ़ोगे वन थर्ड कुरान को तुमने पढ़ लिया दो मरतबा पढ़ोगे टू थर्ड कुरान तीन मरतबा कुल कुरान अली की मिसाल भी ऐसे ही है कि जो अली को सिर्फ दिल से चाहेगा उसने वन थर्ड ईमान पा लिया जो अली को दिल और ज़बान दोनों से चाहेगा जिसका दिल भी अली अली बोलेगा जिसकी ज़बान भी अली, अली अली बोलेगी इसका मतलब यह है कि उसने टू थर्ड कुरान अचीव कर लिया ईमान उसने हासिल कर लिया और अगर कोई अली को दिल से भी चाहता है जबान से भी चाहता है और अपने अमल से भी उस इश्क का इजहार करता है तो इसका मतलब यह है कि उसका ईमान कामिल है और वो कामिलुल ईमान है ईमान के सदके में वाम। 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 वा तो गुफ्तु का महवर ये है कि बहुत सी शख़्सियात होती हैं जिस वक्त वो ज़िंदगी गुजार रही होती हैं उनकी शनाख्त उस तरह से नहीं होती उनके चले जाने के बाद जब नस्लें गुज़रती हैं सदियाँ गुज़रती हैं हालात बदलते हैं माहौल बदलते हैं तो फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उनकी कदर व मंजिलत का बेहतर तौर पर अंदाज़ा होता है इसी तरह से बहुत से वाक़ हैं जिस वक्त वो वाक़ रनुम होते हैं जिस वक्त वो हिस्टोरिकल इवेंट जहूर पजीर होता है उस वक्त लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि इस वाक़े का मैग्नीट्यूड क्या है इसकी आज़मत क्या है इसकी ग्रेटनेस क्या है इसका इन्फ्लुएंस क्या है लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता है नस्लें चेंज होती हैं हालात में तब्दीलियाँ आती हैं रिवोल्यूशन आते हैं फिर इंसान को पता चलता है कि वो वाक़ा क्यों हुआ था और वो कितना इंटेंस था और कितना डीप था कितना इन्फ्लुएंशियल था और इन वाकयात में सरे फहरिस्त करबला का नाम आता है जिस वक्त करबला का वाकया रोनमा हुआ है उस वक्त कोई नहीं जानता था कि करबला क्या है और करबला की क्या आजमत है आज आप देखिए चारों तरफ करबला ही करबला पूरी दुनिया में शोर गिरिया पूरी दुनिया सियाह पोष दुनिया में कौन सी जगह है जहां इमाम हुसैन की मजलिस नहीं हो रही आप तस्वुर कीजिए जिस वक्त करबला का वाक रोनम हुआ था कोई तस्वूर भी कर सकता था कि वहां से हज़ारों माइल्स दूर थानेडा में लंडन की सरजमीन पर एक नहीं तीन तीन मजलिसें हो रही होंगी वो भी बाबा तौर पर यानी को या तालब इलमो को मुझ जैसे बुला के तीन तीन मजलिसें हो रही होंगी कोई तस्वूर कर सकता था उस जमाने में आप सोचिए मतलब करबला का आप लोकेशन देखिए करबला की लोकेशन और फिर यहां की लोकेशन को आप देखिए कितना फासला है और इसी तरह से पूरी दुनिया में चाइना में जापान में कहा जहां पे आजादारी नहीं हो रही है और फिर सिर्फ ये चीज मुसलमानों तक महदूद नहीं है हर कौम मसलक के लोगों ने इमाम हुसैन को अपना रहबर माना है गांधी ने जो इनकलाब बर्पा किया उन्होंने इमाम हुसैन को अपना रहबर माना नसर मंडेला ने जो इनकलाब बर्पा किया इमाम हुसैन को अपना रहबर माना बायदा उनका हिस्टोरिकल जुमला मौजूद है कि मैं तो कैद खाने की तारीखी में और वो भी रात रात की तारीखी क़ैद ख़ाने की तारीखी और फिर मेरे वजूद पर छाई हुई मायूसी की तारीखी इन तीन तीन तारीखियों में डूबा हुआ था और करीब था कि मैं उस ट्रीटी पर जो मेरे सामने थी उस पर साइन कर देता ऑल ऑफ अ सडन आई रिमेंबर्ड इमाम हुसैन अलसला और उनका जो रेजिस्टेंस था उनका जो मौकफ़ था जो बेसर सामानी के बावजूद बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त देने की जो मिसाल कायम की इमाम हुसैन ने वो मेरी निगाहों के सामने आई और उसने मुझे साइन करने से रोक दिया तो ये इमाम हुसैन अलसलातसम की आजमत आज के दौर में तो कहने का मकसद यह है कि जब कोई वाक़ा रोनमा होता है तो उस वक्त उसको पहचान पाना उसका तजिया कर पाना उसकी तह में उतर पाना उसके इन्फ्लुएंस को देख पाना वो आसान नहीं होता उसके लिए बहुत दूरबीन नगाहों की ज़रूरत होती है और वो दूरबीन नगाहें हुजूर के पास सबसे बेहतर तौर पे मौजूद थी इमाम हुसैन अलसलाम की शहादत से भी कम अज़ कम पचास बरस पहले रसोल्ला की वफ़ात सन ग्यारह हिजरी में हुई है इमाम हुसैन की शहादत सिक्सटी वन में हुई है तो कम अज़ कम पचास बरस पहले भी अगर हजूर ने यह जुमला कहा तो एक मोजा है इन नसैन हरा रतन फी कलूबिलमन ला तब रो दो अबदा हजूर का यह इरशाद है कि मेरा लाल हुसैन करबला के मैदान में शहीद होगा और उसकी शहादत के बाद मोमिनों के दिलों में वो गर्मी पैदा होगी वो हीट पैदा होगी जो क़्यामत तक कभी ठंडी ना होगी जिसमें रोज बरोज इजाफा होगा कभी गिरावट ना आएगी यह अलैहि वसल्लम का ऐलान था तो इमाम हुसैन अभी बच्चे थे इमाम हुसैन संचार हिजरी में पैदा हुए हैं अगर रसुल्ला ने यह जुमला अपनी हयात तय्यबा के आखिरी साल में सन हिजरी में कहा है तो उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र क्या रही होगी छे बरस मैक्सिमम छे बरस के इमाम हुसैन और हज़ूर ख़तनी मरतबा अलैहि वसल्लम ने यह जुमला इरशाद फरमाया कि हुसैन जवान भी होंगे और जवान हो के फिफ्टी पार भी करेंगे करबला के मैदान में शहीद भी होंगे यजीद तख्त हुकूमत पर बैठेगा इस्लाम को सत्तानाज़ करने की कोशिश करेगा हुसैन उठेंगे ललकारेंगे उस मिशन में इमाम हुसैन शहीद होंगे और उनकी शहादत के बाद मोमिनों के दिलों में वो वजद पैदा होगा वो हीट डेवलप होगी जिसे दुनिया की कोई भी ठंडक कम ना कर सकेगी मैं समझता हूं कि हसूल का यह जुमला मोजा है और ये तमाम किताबों में दर्ज है जुमला अगर कुछ ना हो सिर्फ यही एक जुमला रसूलुल्लाह का मौजूद हो तो इस्लाम की हक्कानियत की दलील है यह इस प्रोफेसी यह कोई मामूली जुमला नहीं है यह प्रिडिक्शन है यह प्रोफेसी है उस जमाने में जबकि किसी की जिंदगी और मौत का भरोसा नहीं होता था उस जमाने में खेजल्टीज बहुत आसानी से हो जाती थी लोग बहुत आसानी से एक सफर पे गए एक वबा आ गई कुछ भी हो गया जंग हो गई बचपन से जवानी की मंजिल तक पहुंचेगा आज भी नहीं कोई गारंटी है तो उस जमाने में तो जाहिर सी बात है और भी तरह हर तरह के पेरल्स थे हर तरह के रिस्क थे लेकिन इसके बावजूद हुजूर ने फरमाया और जैसा कहा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ तो बहरहाल आज के ज़माने में करबला के वाक़े को समझ पाना नस्बता आसान है उस ज़माने के मुकाबले में तो अब जो हमारे पास 20-25 मिनट रह गए हैं उसमें जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन आल सलाम ने जो करबला का इनकलाब बरपा किया उसके पीछे असल मकसद क्या था और उसका अचीवमेंट क्या है आप देखें बहुत सी चीजें बयान की जा सकती हैं कि इमाम हुसैन सलाम इस वजह से निकले थे उस वजह से निकले थे इस वजह से क्याम किया था उस वजह से क्याम किया था वो तमाम चीजें सब अपनी जगह के ऊपर लेकिन जो असल मकसद है वो क्या है ठीक है इमाम हुसैन सलाम अमर के लिए निकले थे है ये खुद इमाम ने फरमाया इन लम अखरूज अशरन वला बतरा वाला मुफ सदन वला वालमा इन नमा खरश ने तलबिल्लाह उम्मत जद मेरे क्याम का मेरे इनकलाब का मकसद न रियाकारी है न ऑफ है न किसी के साथ जाती है न कोई बगावत है ना कोई इनाद है मेरे क़्याम का मकसद असलाह उम्मत रसूल है मैं अमर मारूफ के लिए निकला हूँ मुनकर के लिए निकला हूँ मैं अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा और अपने बाबा हैदर करार की सीरत को नई जिंदगी देने के लिए निकला हूं वह असीरब सीरत जद्दी व अभी। मसला यह है कि किस असलाह उमत रसूल की बात मौला इमाम हुसैन फरमा रहे हैं किस अमरुबिल्माफोन की बात कर रहे हैं किस सीरत रसूल अक्रम और अमीरमोमिन की बात कर रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यह कहते हैं कि इमाम हुसैन सलाम तमाम बुराइयों को मिटाने के लिए निकले थे तो बुराइयां कल भी थी आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगी बुराइयां। बुराइयां हैं आज भी अगर कोई ये कहता कि माम हुसैन सलाम अच्छाइयों को कायम करने के लिए निकले थे तो अच्छाइयां बहुत सी कल भी नहीं थी आज भी नहीं हैं और बजाहिरयामत तक हर इंसान तमाम अच्छाइयों को अंजाम नहीं देगा तो इमाम सलातम तो क्यों निकले थे इसमें इमाम ने एक लफ्ज़ दिया है और वो लफ्ज़ यह है कि मैं अपने नाना और अपने बाबा की सीरत को जिंदा करने के लिए निकला हूँ अलैहि सल्ला सल्लम की सीरत क्या थी उसका खुलासा क्या है देखिए एक आयत कुरान करीम में है जिससे हुजूर की जिंदगी का नक्शा भी सामने आ जाता है मौला अली की जिंदगी का लुबे लबाब भी सामने आ जाता है और इमाम हुसैन सलाम के क्याम इनकलाब का मकसद भी हमारे सामने आश्कार हो जाता है और वो आयत यह है ले ये हिक, ले लेकु तिल वल कर हक को हक साबित कर देना बातिल को बािल ऐलान कर देना चाहे ये बात काफिरों को मुजरिमों को कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरे एहका हक़ बातिल, ये असल मकसद है रसूलुल्लाह रसूल सल वसम की आमद का अमी उलमिन हैदर कर रत अल्लात वसलम की सीरत तैयबा का इमाम हुसैन सलाम के क़्यामो इनकलाब हक को हक इस्टैबलिश कर देना बातिल को बातिल मुकम्मल तौर पे डिक्लेयर कर देना कि फिर उसके बाद अब जाहिर है कि जिसको जर जाना है, जाए वो तो अल्लाह की तरफ से नहीं है लाक्र हाफीन देर इज नो कम्पल्स रिलीजन इन्ना उस सबील इम्मा शाह किरण व इम्मा कफूरा हमने रास्ता दिखा दिया है चलना तुम्हारा काम है तुम खैर की तरफ जाना चाहते हो शर की तरफ जाना चाहते हो हक़ के रास्ते को फॉलो करना चाहते हो बातिल के रास्ते को फॉलो दैट इज़ योर चॉइस अल्लाह इज़ नेवर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज योर फ्री विल जो अल्लाह ने आपको फ्री विल दी है वो हमेशा अपनी जगह पे बाखिर रहे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर अल्लाह आदिल है तो, तो फिर दुनिया में जुल्म क्यों हो रहा है अल्लाह जुल्म को मिटा क्यों नहीं देता क्या अल्लाह हर चीज़ पे कादिर नहीं है अल्लाह हर चीज़ पे कादिर भी है अल्लाह आदिल भी है ना उसकी अदालत में कोई शक है ना उसकी कुदरत कामिला में कोई शक है लेकिन अगर अल्लाह बाय फोर्स जुल्म को मिटा दे तो इसका क्या मतलब होगा कि कोई जुल्म करना चाहे अल्लाह उसका हाथ तोड़ दे कोई जुल्म के रास्ते पर चलना चाहे अल्लाह उसके पैरों को तोड़ दे तो फिर वहां पर फ्री विल कहां रह फिर तो इंसान इंसान में रह जाएगा फिर तो इंसान रोबोट हो जाएगा अल्लाह ने रोबोट नहीं बनाया है अल्लाह ने इंसान बनाया है अल्लाह चाहता है कि हम उसको सजदा करें मगर अपने इरादे से अपने इख्तियार से अपनी चॉइस से अपने इंतखा से वरना उसकी बारगाह में सजदा करने के लिए पूरी कायनात मौजूद थी सिर्फ फरिश्ते मौजूद नहीं थे पूरी कायनात मौजूद थी ये जो आप ये दरो दीवार देख रहे हैं ये जो आप पर्दे देख रहे हैं ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये जो आप आसमान देख रहे हैं जो आप पत्थर देख रहे हैं जिन चीज़ों को हम नॉन लिविंग थिंग्स भी कहते हैं उनके बारे में भी कुरान में साफ साफ अलान है वह मिन शे इन अब बेहमदे वाला किनला तफकहू न तस्बी हम कायनात में कोई शय ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह की तस्बी ना करती हो अल्लाह को ग्लोरीफाई ना करती हो यह और बात है कि तुम नहीं समझ पा रहे तो यह है कि फ्री विल है लेकिन जो अल्लाह ने किया है वो ये है नबियों को भेजा है रसूलों को भेजा है एक लाख चौबीस हजार नबियों को भेजा है इतनी तमाम किताबें भेजी हैं यह सब इसलिए किया है ताकि हक और बातिल दोनों रास्ते आश्कार रहे ये एक बहुत अहम गुफ्तगु है इसको आप अगर समझ जाए तो जारत वारसा का मफहूम समझ जाएंगे आप जारत वारसा में हम क्या कहते हैं

आदम को अल्लाह ने क्यों भेजा नूह को अल्लाह ने क्यों भेजा इब्राहिम को अल्लाह ने क्यों भेजा और ईसा को अल्लाह ने क्यों भेजा हुजूर ख़तमी मरतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वम को अल्लाह ने क्यों भेजा <देखाँ> <नूंगा। देखाँ> <नौंगा। देखाँ> <चीज्णा। देखाँ> ये नबियों का सिलसिला अल्लाह ने क्यों कायम किया ये किताबों का सिलसिला अल्लाह ने क्यों कायम किया ये सब इसीलिए लेक बातिल हल ताकि कोई हक और बातिल को खलत मलत न कर दे जो अरबाब होते हैं उनकी साजिश हमेशा से यही रही है कि वो हक को बातिल से मखलूत कर दें बातिल को हक से मखलूत कर दें कि लोग कन्फ्यूज हो जाए कि हक क्या है बातिल क्या है और फिर वो अपना एजेंडा उसी ग्रे एरिया में अच्छी तरह से अचीव कर लें जब हक और बािल कन्फ्यूज हो जाएंगे तो इंसान जाहिर सी बात है हक और बातिल के दरमियान हक्का बक्का रहेगा और कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा जो हक के मतवाले होंगे भी उनको भी आसानी के साथ धोखा दिया जा सकेगा तुम्हें तो हक पे चलना है हक यही तो है और वो होगा बातिल तुम्हें तो सच रा, के रास्ते पे चलना है झूठ को सच से इस तरह से मिक्सअप कर दो कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि असली माल क्या है नकली माल क्या है तो अल्लाह ने शुरू से जो नबियों का सिलसिला कायम किया रसूलों का सिलसिला कायम किया किताबों का सिलसिला कायम किया उसका असल मकसद यही रहा है ले यु हक अल हक वलबातिल कि ऐसा ना होने पाए कि शैतान और शैतानी ताकतें हक़ और बातिल को खलत मल्त कर दें हक हक रहे बातिल बातिल रहे जिसको जिस, जिस रास्ते पे चलना है वो उसकी अपनी चॉइस है मगर अल्लाह की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन हो जाए कि ये हक है ये बातिल है अब इसमें इमाम हुसैन अलसलात साम का क्या रोल है नहीं किसी का उतना जिक्र नहीं होता जितना इमाम हुसैन का जिक्र होता है क्यों इमाम हुसैन का ऐसा क्या रोल है कि ये हक और बातिल को सेपरेट करने का सिलसिला जो अल्लाह ने शुरू किया एक तरफ अल्लाह ने यह सिलसिला शुरू किया और दूसरी तरफ शैतान और शैतानी सोर्सेज ने हक और बातिल को मिक्सअप करने की कोशिशें की तो दो कोशिशें एक साथ चलती रहीं Allah का सिलसिला और फिर उधर शैतान की साजिशें कॉन्सपरेसीज कोशिशें हरकतें और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला पहुंचा। अब जाहिर मैं तफसील में नहीं जाना चाहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला पहुंचा। आप आए तो आपने आके हक और बातिल को सेपरेट कर दिया देखें इसमें हकीकत में पूरा दिन सिमट गया है इस गुफ्तु में हज़रत आदम आए उनके ज़रिए से अल्लाह ने शरीयत भेजी फिर उसके बाद में हज़रत नू आए शरीयत भेजी हज़रत इब्राहिम आए शरीयत भेजी हज़रत मूसा आए शरीयत भेजी हजरत ईसा आए शरीयत भेजी तो ये शरीयतें बदलती क्यों नहीं दीन नहीं बदलता पूरा कुरान पुरा आप पढ़ लीजिए ए टू जेड दीन का लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान में हर जगह सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया है दीन हमेशा से एक रहा है दीन का मतलब वो प्रिंसिपल्स वो असूल जिनके तहत हमें अल्लाह से कनेक्ट होना है जिनके तहत हमें अपनी ज़िंदगी को लीड करना है उनको दीन कहा जाता है और उसका ख़ुलासा होता है अल इस्लाम सब मिशन टू अल्लाह तो वो तो हमेशा से एक रहा है लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे इंसानियत बढ़ती गई वैसे वैसे अल्लाह इज़्ज़त शरीयत को अपग्रेड करता गया जैसे जैसे ह्यूमन कैपेसिटी ह्यूमन मेंटालिटी, ह्यूमन एबिलिटी इम्प्रूव होती गई वैसे वैसे अल्लाह शरीयत को अपडेट करता गया फॉर एग्जांपल आज एप्पल फ़ोन कहाँ पहुँचा हुआ एप्पल फोर फोरटीन फिफ्टीन कहाँ है फोर्टीन तो आप कहें कि नहीं वो एप्पल फोन वन जो था वो बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था उस जमाने के लिए बहुत अच्छा था नॉट नेसेसरली आज के लिए वो बहुत अच्छा है तो हिंदुज्म हो सकता है अल्लाह ने कोई नबी भेजा हो और वो एक दिन लेके आए हो मगर वो दिन उस जमाने के लिए अच्छा था नॉट नेसेसरली आज के लिए वो अच्छा है हजरत मूसा सलात जो दिन लेके आए वो उस जमाने के लिए अच्छा था नॉट नेसेसरली आज के लिए अच्छा रह गया है आप एप्पल फोन वन लेके आइए आज के जमाने में क्या वो काम करेगा वो काम ही नहीं करेगा मगर जिस जमाने में आया था उस जमाने में वो बेस्ट था तो जितने भी दीन जितने भी सिस्टम्स जितनी भी शरीयतें अल्लाह की तरफ से आई हम सबको रिकगनाइज करते हैं सबका एहतराम करते हैं बट इन दिस डे एंड एज वो चीज़ें अप्लीकेबल नहीं है उनके साथ हम जिंदगी गुजार कर दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते इसीलिए अल्लाह इज़्ज़त मुसलसल अपने दीन को अपडेट करता रहा अपग्रेड करता रहा तो अपग्रेड होते होते आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो सिलसिला आया तुम्हारी। तुम्हारी। और अपग्रेड की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती थी कि जब एक नबी गुजर जाता था तो उस नबी के गुजर जाने के बाद जो बातिल ताकतें होती थी वो समहाओ इ्ट्रेट करके उसके दीन में चेंजेस इंट्रोड्यूस कर देती थी और हक और बातिल को ख़लत कर देती थी तो अल्लाह फिर एक नबी को भेजता था और वो एक नबी आके फिर हक़ को हक और बातिल को बातिल आश्कार कर दिया करते थे और यही सिलसिला जारी रहा आगाज है खिलकत इंसान से हुजूर सल्लल्लाहु हजूर सल्हुस तक और हुजूर सल्लल्लाहु हजूर सल्ला के बाद जब गदीर में उन्होंने अली अबी तालिब की वलायत का ऐलान कर दिया तो फिर अल्लाह ने आयत उतार दी अल्यूमा अकमल तो नकुम आज दिन मुकम्मल हो गया अब दिन में कुछ नया आने वाला नहीं है मगर फिर भी हुजूर की आंख बंद हुई और हुजूर की आंख बंद होने के बाद शैतान और शैतानी ताकतें फिर से हरकत में आ गईं और उन्होंने वही दीन जो मरहम था जो बशरियत की तमाम बीमारियों की दवा था उसी दीन को मरज में तब्दील कर दिया और आज आप अगर देखना चाहें इस जुमले की तस्दीक कि वही दीन जिसे अल्लाह ने तमाम प्रॉब्लम्स के सोलूशन के लिए भेजा था वही दिन खुद प्रॉब्लम बन गया उसकी एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप तमाम जो ग्रुप्स हैं वहशी ग्रुप्स जो टेररिस्ट और आ, आ, जिनको हार्ड डिफरेंट वर्ड्स इनके लिए इस्तेमाल उनको देख लीजिए तालिबान क्या इलाज हैं या मर्ज है दाइश इलाज है या मर्ज है बो को हरम इलाज है या मर्ज है ये सब बीमारियां हैं और ये सब इस्लाम के नाम पे तो जो शैतान और शैतानी फोर्सेस थे उन्होंने अनफॉर्चुनेटली हाईजैक करना शुरू कर दिया दीन को और दीन में मुसलसल तब्दीलियां 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 ये भी ऐड कर दो ये चीज़ निकाल दो ये हमारे मफाद में नहीं है इसको निकाल दो ये चीज़ हमारे फायदे में इसको ऐड कर दो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा यहां तक के यजीद तक ये सिलसिला पहुंचा अब जब यह सिलसिला यजीद तक पहुंचा तो वहां पे इमाम हुसैन अलातम खड़े हुए हालात ऐसे बन गए थे कि अब इमाम हुसैन खड़े हो सकते थे इमाम हसन वो काम नहीं कर सकते थे जो इमाम हुसैन ने किया इसलिए कि हालात साजगार नहीं थे वरना हसन और हुसैन में कोई फर्क नहीं है मुआविया मुनाफिकत की नकाब अपने चेहरे पर डाले हुए था मुआविया कि बुराई के लिए यही क्या कम है कि वो यजीद का भी बाप था वो कभी कभी शक करते हैं उसके बारे में कि वो कैसा था उसका उसके लिए यही काफी है कि वो यजीद का भी बाप था तो वहां पे कोई कमी नहीं थी मगर मसला ये है कि वो सब कुछ दरपर्दा कर रहा था लेकिन यजीद उसके अंदर वो शैतानत नहीं थी जो बाप के अंदर थी लिहाजा वो खुल के सामने आ गया अब जब वो खुल के सामने आ गया तो इमाम हुसैन सलाम खड़े हुए और आपने कहा कि अब एक मरतबा इनकलाब बर्पा करके ये जो आगाज से अल्लाह का मिशन चल रहा है इसको इस तरह से कंप्लीट कर दिया जाए कि फिर कभी हक और बातिल मिक्सअप हो ही ना सके ले हक, मुजरिमून देखें आप इस जुमले को याद रखें और हिस्ट्री को जाके आप अच्छी तरह से पढ़ें। जो हमारा दीन है इस्लाम इसमें जितनी तहरीफें हुई हैं जितनी तब्दीलियां हुई हैं ये सारी तब्दीलियां करबला से पहले हुई हैं कोई एक तब्दीलिया आप दिखा दें जो करबला के बाद हुई हो हु। नमाज तरावी करबला से पहले की या करबला के बाद की है ये यूं नमाज पढ़ना करबला से पहले का है या करबला के बाद का है रोजा वक्त से पहले इफ्तार करना करबला से पहले से शुरू हुआ या करबला के बाद का है जो अल्लाह ने दो शादी के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे उनमें से एक को खत्म कर देना या इसी तरीके से हज के मौके पे मुतातुल हज उसको खत्म कर देना ये करबला से पहले है या बाद में करबला से पहले जितनी नमाज ईद का खुतबा किताबों में मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद का खुतबा नमाज ईद के बाद दिया करते थे मगर दूसरे मुसलमानों में आप जाइए तो नमाज ईद वो बहुत से मुसलमान ऐसे है हैं कि जो नमाज ईद का खुतबा पहले देते नमाज बाद में पढ़ाते हैं यह बिदात कब से शुरू हुई जितनी बिदातें आपको शरीयत में दिखाई देंगी मैंने तो चंद सिर्फ इशारा कर दिया है जितनी बिदातें आज जो एग्जिस्ट करती हैं ये शरीयत में दीन में आपको दिखाई देंगी सब प्री करबला है पोस्ट करबला कोई भी नहीं क्यों इमाम हुसैन ने इनकलाब बर्पा किया कुर्बानी दी और इस तरह से हक को हक इस्टैब्लिश किया बातिल को बातिल स्टैब्लिश किया कि अब फिर कभी हक और बातिल मिक्सअप ना चक, हो सके ऐसा नहीं है कि यजीद बहुत पावरफुल था और यजीद के बाद कोई पावरफुल बादशाह नहीं गुजरा यजीद के बाद उससे सैकड़ों गुना पावरफुल बादशाह गुजरे हैं क्या आप समझते हैं कि मुतवक्किल यजीद नहीं था मुतवक्किल को यजीद बनी अब्बास कहा जाता है यजीद ने इमाम हुसैन अल सलात वसलाम को शहीद किया मुतवक्किल ने इमाम हुसैन अल सलासलाम की कब्र अतहर को सत्रह मरतबा शहीद किया है यजीद ने तो एक मरतबा शहीद किया ने सत्रह मरतबा और उसकी पूरी कोशिश ये थी कि, कि कब्र हुसैन मिट जाए सफेद हस्ती पर निशान न रह जाए किब्र कि हुसैन कहाँ है ये और बात है कि खुद उसका निशान मिट गया मगर मजलूम की कब्र पूरी कायनात में जगमगा रही है अल्लाह की तदबीर है हारून रशीद मामूली बादशाह था बादल को देखता था तो इतना एरोगेंट था वो तो कहता था कि जहां दिलचाहे बरस ले तेरे बरसने के बाद जो प्रोड्यूस पैदा होगी वो मुझी तक आएगी उसका खराज उसका टैक्स मुझी को मिलेगा उसकी हुकूमत इतना फैली हुई थी इतनी एक्सपेंडेड थी तो बहुत बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं फिर उसके बाद में आप आ जाइए तो ये जो उस्मानिया हुकूमत है इनका जो इकतदार आप देखिए तो जो यजीद का इकतदार था वो तो एक कोने में सिमट जाएगा तो यजीद के बाद सैकड़ों हज़ारों बड़े से बड़े यजीद पैदा हुए मगर दीन में कोई तब्दीली न हो सकी क्यों दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इमाम हुसैन रिवोल्यूशन ये करबला की अज़मत है ये इन मजलिसों की अज़मत है ये मजलिसें जो हम पूरे साल करते रहते हैं और मजलिस का नाम आता है तो इमाम हुसैन का नाम आता है कहा ही जाता है मजलिस हुसैन वो मजलिस किसी भी हवाले से उसको कहा ही जाता है मजलिस हुसैन और कोई मजलिस ऐसी नहीं जिसमें इमाम हुसैन का जिक्र ना हो इवन अली की शहादत की दास्तान जो बहुत दर्दनाक है उसमें भी आखिर में इमाम हुसैन ही का जिक्र होता है, वो है। कि इमाम का जो, जो, जो रिवोल्यूशन है वो एक इंस्ट्रूमेंटल है और उसके बाद हक और बातिल की लड़ाई हकीकत में एक तरह से फाइनल हो गई यह नहीं है कि इमाम हुसैन सलाम बातिल को मुकम्मल तौर पे मिटा देना चाहते थे खत्म कर देना चाहते थे नहीं वो हम और आप भी जानते हैं इमाम हुसैन सलात सी बात है वो तो साहिब इल्म थे। इमाम अजर शरीफ के जहूर के बाद ही वो चीज पॉसिबल होगी तो ये इमाम हुसैन भी जानते थे लेकिन हक को हक इस तरह से वाज कर दिया बातिल को बातिल को इस तरह से डिक्लेयर कर दिया कि फिर हक और बातिल खलत मल्त ना हो सके यजीद था जो कहता था कि जो मैं करूं बस वही इस्लाम है यजीद और यजीद से पहले वाले जो खलफा थे उनके साथ वो सेक्रेटनेस वो तकद्दस वो एहतराम वो आजमत लगी हुई थी कि बादशाह सलामत जो कहते थे उसे इस्लाम समझा जाता था जो करते थे उसे ईमान समझा जाता था इमाम हुसैन सलाम ने करबला के मैदान में इन जालिमों के चेहरों से नकाब जो पड़ी हुई थी उसको इस तरह से नोच के फेंक दिया और इस तरह से तार तार कर दिया कि फिर उसके बाद बादशाहत अलग हो गई और इस्लाम का निजाम अलग हो गया मैं सिर्फ एक मिसाल अर्ज कर दू और मसाहिब और गुफ्तगु तमाम आपका सुना हुआ वा वाक सिर्फ मैं बात को मंजिले तकमील तक पहुंचाने के लिए इसके रेफरेंस गुफगू कर रहा हूँ जंग सिफिन कब हुई है इन विच ईयर द बैटल ऑफ सिफिन टू प्लेस थर्टी सेवन एच थर्टी सेवन आफ्टर हिजरा रसोल्ला की वफात कब हुई हमने अभी बताया था एलेवन एच एच मीन्स आफ्टर हिजरा तो एलेवन आप निकाल दिए थर्टी सेवन में से कितने बचेंगे ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव तो रसूलुल्लाह की वफात को अभी कितने साल हुए हैं ट्वेंटी फाइव ईयर्स जब जंग सिफीन हो रही है इसके सिलसिले में जहब में यह रिवायत मिलती है बहुत बड़ी किताब मानी जाती है जहब हिस्ट्री की कि जब मुआविया जंग सिफीन के लिए निकला तो उसने जुमे की नमाज बुद्ध को पढ़ाई ये आप हमेशा सुनते हैं ये जो लोग हैं वही मिनमिना रहे हैं और यहाँ मैसेज कर रहे हैं वहाँ मैसेज कर रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं तो क्या है ये राफिजी लोग ये मुहर्रम आता है तो पूरी दुनिया को सर पे उठा लेते हैं क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की और क्या ज़रूरत है मजलिस करने की और क्या ज़रूरत है इतना वक्त सर्व करने की और ठीक है इमाम हुसैन शहीद हो गए बहुत से लोग और भी शहीद हुए ठीक है आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग हमने कभी इनकार के आप जाकर उनका जिक्र कीजिए हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए लेकिन हमारे बच्चों के लिए भी मसला वाजह होना चाहिए कि हम हुसैन हुसैन क्यों करते हैं अभी रसूलुल्लाह की वफात को 25 बरस गुजरे हैं जुमे की नमाज वो बुद्ध को पढ़ा रहा है इससे ज्यादा ताजुब यह है कि लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ा रहा है वो तो खैर था ही जो था मगर वो जो उसके साथ थे जो पढ़ रहे थे वो तो नमाजी थे रोजेदार थे वो तो अल्लाह का कुरब हासिल करना चाहते थे वो तो अपने को दीनदार कह रहे थे वो तो जन्नत के खां थे जहन्नम से नजात के तलबगार थे वो उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उससे बड़ा ताजुब यहां के ऊपर है ना कोई एतराज ना कोई प्रोटेस्ट ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत उसने नमाज पढ़ाई और हजारा हजार लोगों ने उसके पीछे नमाज जुमा बुद्ध के दिन पढ़ ली आप कहते हैं कि अगर हुसैन क्याम ना करते तो क्या होता अगर इनकलाब ना होता तो क्या होता अगर इनकलाब करबला ना होता तो क्या हो जाता हम आपको बीस हजार डॉलर दिए दे रहे हैं पचास हजार डॉलर दिए दे रहे हैं चंदा करके एक मिलियन डॉलर दिए दे रहे हैं आप किसी भी बड़े से बड़े बिकाऊ मुफ्ती के पास जाइए और जाके कहिए कि मुफ्ती साहब ये आप एक मिलियन डॉलर ले लीजिए आपकी नस्लों के लिए मोर होगा ये। आप ऐसा कीजिए जुमे की नमाज बुद्ध को पढ़ा दीजिए कोई भी मुफ्ती हो कहीं का भी मुफ्ती हो उससे आप कहिए कि मिलियन डॉलर इसे अपनी जेब में रख लीजिए और जुमे की नमाज आप बुध को पढ़ा दीजिए उसका क्या जवाब होगा पागल कैसे कैसे पागल पढ़ने वाली बातें कर रहे हैं आप चरस पी के आए हैं भंग खा के आए हैं शराब पी के आए हैं ड्रग्स लेके आए हैं कैसी बातें कर रहे हैं बहकी बहकी पागलों वाली जुमे की नमाज बुध को पढ़ा दूं और अगर ज्यादा ही बिकाऊ होगा तो वो कहेगा कि कोई मसला नहीं मेरे लिए तो कोई मसला नहीं मैं जुमे की नमाज बुध को नहीं जुमे की नमाज मैं मंगल को भी पढ़ा सकता हूं मसला ये है कि पढ़ेगा कौन कोई नहीं पढ़ेगा अच्छा मुफ्ती साहब जुमे की नमाज बुध के बजाय आप जुमेरात को पढ़ाते भाई एक ही दिन का गैप है फिर पागल पने वाली बात कर रहे अच्छा जुमे की नमाज जुमेई को पढ़ा दीजिए एक घंटा पहले पढ़ा दीजिए नमाज के वक्त से थोड़ी देर पहले पढ़ा दीजिए नहीं हो सकता वो लोग के जो इमाम हुसैन अली के क्याम इनकलाब और इन मजलिसों पर एतराज करते हैं सिर्फ इसी पॉइंट एक पॉइंट पर गौर कर लें कि अभी रसूलुल्लाह की वफ़ात को 25 बरस गुज़रे हैं और जुमे की नमाज़ बुद्ध को पढ़ाई जा रही है और तमाम मुसलमान दाढ़ी हिला हिला के पैजामे संभाल संभाल के जुमे की नमाज़ बुद्ध को सुकून व इत्मीनान के साथ शान व शौकत के साथ पढ़ रहे हैं इतना बड़ा चेंज आ चुका है अल्लाह के दिन में इतनी बड़ी तहरीफ हो चुकी है इतना ज़्यादा मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं मुसलमान ये जो आज चौदह सौ बरस के बाद जुमे की नमाज जुमे को भी एक घंटा पहले नहीं हो सकती ये सदक़ा है इनकलाब हुसैन का इनकलाब करबला का और उन्हीं मजलिसों का जो हुसैन की उस कुर्बानी के लिए याद में बता बर्पा होती है तो एज़ान मोहतरम ये वाक करबला ये उसका फलसफा ये इनकलाब ये इमाम हुसैन सलाम का असल मकसद और ये उसका अचीवमेंट हक को हक और बातिल को बातिल आश्कार कर दिया और हमेशा के लिए दोनों के दरमियान वो खलीज खींच दी लाइन नहीं वो खलीज कायम कर दी कि अब दोबारा हक और बातिल आपस में खलत मल्त ना हो सकेंगे तो अज़ान मोहतरम ये जो अयाम अजा हैं ये हमको उसी वाक़े की याद दिलाते हैं और उसी मिशन की तकमील का एक हिस्सा है ये हैं और ये सब शाइरुल्लह हैं कल इन शाह हम आदाब मजलिस आदाब अजा के सिलसिले में भी मुख्तर गफ्तू करेंगे आज के लिए बस इतना ही काफ़ी जब चांद रात ये लफ्ज़ हमारे कानों से टकराता है तो दिल में एक उदासी की कैफियत छाने लगती है और अगर दिल उदास होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए यह दलील है कि आप मोमिन हैं मासूमिन ने फरमाया है कि हमारे शीयों को हमारी मिट्टी से पैदा किया गया है और उसकी दलील ये है कि हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे गम में गमगुसार होते हैं खुद इमाम हुसैन का इर्शाद है अन्ना कतीलबरा मुझे रोला रोला के मारा गया है ला यस कौरि मोमिन बका जब भी कोई मोमिन मेरा नाम लेगा तो आंखें नम हो जाएगी मोहतरम ये चांद रात आज से 1400 सौ बरस पहले जो वाक हुआ उस वाके की मुनासिबत से जब चांद नमोदार होता है तो हम गमगीन हो जाते हैं उदास हो जाते हैं महजून व मकमून हो जाते हैं जरा तस्वुर कीजिए जब अगले साल वाक करबला के बाद सन बासठ हिजरी में ये चांद जनाब जैनब ने देखा होगा उम कुलसूम ने देखा होगा जनाब उम लैला ने देखा होगा जनाब उम रुबाब ने देखा होगा उन बीबियों की क्या कैफियत हुई हु। क्या जनाब जैनब को वाकई करबला के तमाम याद ना आ गए होंगे क्या के सामने अपने कड़ियल जवान का लाशा मुजस्म न हो गया होगा क्या रोबाब के सामने छः महीने का अली असगर वो भी गले पे तीरे से शोभा खाए हुए निगाहों के सामने ना आ गया होगा हाँ अरबाब बड़े दुख दर्द के दिन है रावी कहता है कि मैं इमाम अली रजा की खिदमत में पहुंचा पहली मुहर्रम थी देखा कि इमाम बहुत महजून और मगमूम है मैंने सबब पूछा का ए फर्जंद रबीब ए फर्जंद शबीब ए रैयान बिन शबीब क्या तुम्हें नहीं पता मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया और फिर इमाम ने फरमाया ना अबीन वह मुतबस्म जब मुहर्रम का चाँद नमूदार होता था उसके बाद से पूरे दस दिनों तक मेरे वालिद इमाम मूसा काजिम को न कोई हंसते हुए देखता था न कोई मुस्कुराते हुए देखता था मुसलसल गिर उजारी चेहरे पे अफसरदगी और फिर उसके बाद इमाम ने फरमाया कि अन तुम्हें पता है मुहर्रम में क्या हुआ मुहर्रम वो महीना था जिसमें दौरे जाहिलियत में भी लोग जंग नहीं किया करते थे किसी को कत्ल नहीं किया करते थे मगर हाय इस्लाम आने के बावजूद इस्लाम की तमाम तालीमत के बावजूद जो जवाना ने जन्नत का सरदार था उसको करबला के मैदान में किस बेदर्दी के साथ मार डाला गया हमारे बच्चों को जिबा कर दिया गया हमारे कुंबे को ताराज कर दिया गया हमारे खैमों को उजाड़ डाला गया हमारे खैमों को नजर आतिश कर दिया गया इमाम अली रजा मसायब बयान करते जाते हैं गिर उजारी करते जाते हैं और फिर उसके बाद फरमाते हैं यब न शबीब इन की कुंत इन फब के लिल हुसैन ए फर्जंद शबीब अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ पे रोना हो तो दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिस पर रोया जाए अगर रोना हो तो बस हुसैन पे रो इसलिए हमारे जद कर्बला को कर्बला के मैदान में वैसे मारा गया जैसे एक हाँ अरबाज ये जो चांद रात की मजलिस होती है इसमें इमाम हुसैन सलात वाम की मदीने से रुखती का जिक्र भी होता है मैं चंद जुमले उस हवाले से अज कर दू और मजलिस मुकम्मल अरबाब आजाब वाक़ात आपके सामने हैं इमाम आली मुकाम जब मदीने से रुखसत होना चाहते हैं बड़ी कसम की कैफियत है कभी नाना के मज़ार पे जाते हैं कभी भैया के लहद पे जाते हैं कभी माँ की कब्र पे जाते हैं नाना खुदा हाफिज भैया खुदा हाफिज मादर गिरामी खुदा हाफिज लेकिन अरबाब अजा किताबों मिलता है कि जब नाना के रोज़े पे जाते थे या बाबा के मज़ार पे जाते थे तो शानो शौकत के साथ जाते थे मगर जब माँ की लहत की तरफ बढ़ते थे तो ऐसे दौड़ते हुए जाते थे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आगोश की तरफ दौड़ के जा सबको खुदा हाफिज़ कह रहे जब काफिला बिल्कुल तैयार हो गया रवानगी का वक्त आन पहुंचा किसी ने आके कहा मौला ठहर जाइए आपकी नानी रसूलुल्लाह की जोजा उम्म सलमा आपसे मुलाकात के लिए आ रही इमाम अली मुकाम ठहर गए नानी जान आपने क्यों सहमत की हम तो आपको खुदा हाफिज कर चुके थे नानी जान हम खुदा जाते का ए मेरे लाल हुसैन मुझे पता चला है कि तुम इराक की तरफ जा रहे हो कहा नानी जान मैं इराक़ की तरफ़ जा रहा हूँ कहा ए मेरे लाल क्या यह मुमकिन नहीं है कि तुम अपना यह सफ़र मुलतवी कर दो का नानी जान ऐसा मुमकिन नहीं है मशियत परवरदिगार यही है क्या मेरे लाल हुसैन मैंने तुम्हारे जद मोहम्मद मुस्तफा से सुना है कि अय उम सलमा जब मेरा लाल हुसैन सफ़र इराक़ का कर्ज कर ले तो समझ लेना कि यह उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा फिर मेरा लाल हुसैन वापस ना आएगा कहाँ नानी जान आपने सच सुना है मगर मशियत परवरदगार यही है का ए मेरे लाल हुसैन मैंने उस सरज़मीन की बड़ी आजमतें सुनी हैं जिस पे तुम्हें शहीद किया जाएगा कहाँ नानी जान मेरी शहादत गाह की जारत करना चाहती है करबला की ज़ारत करना चाहती हैं और यह कह के इमाम आली मुकाम ने अपनी दो उंगलियां उठाई, दुनिया की तमाम बुलंदियां पस्त हुईं करबला की सरजमीन उभर कर सामने आई नानी जान देखिए वो फला जगह है वो जो नशेब दिखाई दे रहा है यही वो जगह होगी जहां मेरे सरोतन में जुदाई होगी और फिर उसके बाद इमाम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक मुश्त खाक उठाई और उठाने के बाद हज़रत सलमा को दे दी नानी जान इसको उसी कारूरे में रख लीजिए जिसमें आपने हमारे नाना की दी हुई मिट्टी रखी हुई नानी जान जब तक मिट्टी मिट्टी रहे समझिएगा हुसैन जिंदा है मगर जब ये मिट्टी खून ताज़ा बन के जोश मारने लगे तो समझ जाइएगा कि आपका हुसैन शहीद हो गया हाँ अरबाब अजा काफिला चला गया हुसैन चले गए जैनब चली गई मगर सलमा का दस्तूर बन गया कि जब सुबह होती है तो सबसे पहले जाके उस कारूरे को देखती हैं देखती हैं मिट्टी मिट्टी है अल्लाह का शुक्र बजा लाती हैं हाँ अरबाब अजा ये सिलसिला यूँ ही जारी रहा यहाँ के असरे आशूरा आन पहुंची असरे आशूरा उम सो रही थी रोया में क्या देखा कि हुजूर तशरीफ लाए हैं सर के बाल बिखरे हुए हैं दोष पे आबा नहीं कदमों में नहीसूल्ला आपका यह क्या आलम यह क्या कैफियत के सलमा, अरे तुम सो रही हो मेरा भरा घर करबला के मैदान में तहस नहज कर दिया गया मेरा हुसैन मार डाला गया उम सलमा हुई उस कारूरे के पास गई क्या देखा कि मिट्टी मिट्टी नहीं खून ताज़ा बन के जोश मार रही है फरियाद शुरू की वाह हुसैन वाह मुहमदा वाहिया